हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक मैन, और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो न्यूज है, आज 22 अगस्त हो गया है और आज की न्यूज मैं आज को बताऊंगा। तो पहली न्यूज स्टार्ट करते हैं, जो पहली योजना है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अगर आप भी उनमें से हैं जिनकी जॉब 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में गई है या जाएगी, इस केस में आपको एक कंपनसेशन गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, ये जो योजना है 1 जुलाई 2018 को इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। और इस योजना के तहत आपको 90 डेज का जो भी रोजगार होगा, जो भी आपकी सैलरी होगी, वो आपको मिलेगी 3 महीने तक। राइट, अब क्या है इसमें, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस योजना के तहत ESIC से ज्वाइन होना आपका अनिवार्य है। अगर आप 2 साल से ESIC के मेंबर हैं, देन ही एलिजिबल होंगे। 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपने 78 डेज काम किया है। राइट, आपने अगर 31 मार्च से बाद 90 डेज तक आप बेरोजगार है, 90 डेज तक आप अनएम्प्लॉय है, देन आपको 2 ईयर की सैलरी का डिवाइड करेंगे 730 डेज से, यानी 2 ईयर से डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसका जो 25% होगा, यानी पर डे की जो सैलरी है उसका 25% इंटू 90 डेज, यानी 90 डेज की आपको सैलरी मिलेगी। पर दोस्तों, 3 महीने के लिए आपको बेरोजगार होना अनिवार्य है, जब भी आप इस लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। राइट, दोबारा मैं बता देता हूँ बेनिफिट। 2 ईयर की आपकी जो भी सैलरी होगी उसको 730 से डिवाइड डेज से डिवाइड करेंगे, और जो पर डे आएगा उसको 25% निकालेंगे और 25% को 90 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 महीने का आपको सैलरी मिलेगी। एक आंकड़े के हिसाब से 1,90,00,000 बेरोजगार हुए हैं कोरोना टाइम में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ह्यूज नंबर है, और ये कहीं ना कहीं लाभ इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए ये योजना बहुत ही अनिवार्य है। राइट, इसके लिए आपको आधार कार्ड, जो बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, वो आपका लिंक होना चाहिए ESIC पोर्टल पे, तो ये जरूरी है। राइट, अगर आपने वॉलेंटरली रिटायरमेंट लिया है या आपने जान के जॉब छोड़ी है, आपने परपोजली जॉब छोड़ी है, देन इन दिस केस आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देन इसमें AB1 AB2 फॉर्म होगा जो आपको फिल करना होगा, एम्प्लॉयर से साइन होना चाहिए दोनों फॉर्म, और उसके बाद एक कैंसिल चेक चाहिए इसके लिए, तो ये दोनों चीज चाहिए आपको, और आपको ये दोनों चीज लेके लोकल ESIC ऑफिस जाना पड़ेगा, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अकाउंट में ही सीधा आपके पैसे आ जाएंगे। तो ये थी योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, तो बहुत ही अच्छी योजना है कहीं ना कहीं। द्वारा मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो 24 मार्च से 31 दिसंबर तक 2020 में जिनकी जॉब गई है कोरोना से या किसी भी कारण से, उनके लिए ही लाभ कर रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना में एक फायर इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, एक और इंसिडेंट हुआ था विजयवाड़ा में, लेकिन सेकेंड एक फायर इंसिडेंट हुआ तेलंगाना में, श्री सेलम हाइड्रल प्लांट है वहां पे इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट में 6 लोगों ने जान गंवाई है और 5-3 अभी तक लॉस्ट है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है, ढूंढने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंची है। उसके बाद ये आग जो है वेडनेसडे को लगी, लेट नाइट लगी थी ये आग, उसमें से 10 को रेस्क्यू कर लिया गया है, ठीक है, और टोटल 19 पीपल थे जिसमें से 10 को रेस्क्यू किया गया है, 6 की डेड हुई है और 3 अभी लापता है, उसको ढूंढने में फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। आग का जो मेन रीजन है वहां के अथॉरिटी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट मेन रीजन है इस आग के होने का। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी किया है, तो देखिए एक बार ये पिक्चर देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन शुरू किया है, उस गाइडलाइंस के तहत आने वाले इलेक्शन में ये आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। जो भी नॉमिनेशन होता था कैंडिडेट का, पहले ऑफलाइन जाते थे लोग ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहां जाके नॉमिनेशन फाइल करते थे, पर ये ऑनलाइन अब नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब भी लोकल अथॉरिटी के पास जाते थे नॉमिनेशन फाइल करने, तो अकेले नहीं जाते थे कैंडिडेट, हमेशा वो 50-100 लोगों की भीड़ लेके जाते थे, काफी गाड़ियां होती थी,
तो कहीं ना कहीं इससे कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। उसके बाद मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सारे मैंडेटरी कर लिए गए हैं। वोटर जो होंगे और जो वहाँ के अथॉरिटी होंगे उनको डालना जरूरी होगा। अगर आप वोट डालते हैं तो आपको ग्लव्स डालना जरूरी होगा, तो ये आपको वहाँ मिलेगा, तो ये मैंडेटरी है यहाँ पे। उसके बाद डोर टू डोर जो कैंपेन होगा हर एक कैंडिडेट का, वो सिर्फ 5 लोग ही जा के डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उनको भी ये नॉर्म्स फॉलो करने जरूरी है, उनके मास्क, शील्ड, ग्लव्स ये सारे होने चाहिए, राइट। उसके बाद पब्लिक जो मीटिंग होगी उसमें भी कई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो उसको भी फॉलो करना होगा स्टेट को। ऊपर से स्टेट इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी दी गई है कि आप ही डिसाइड करिए जो भी आपका नॉर्म्स होगा, तो वो डिसाइड भी स्टेट अथॉरिटी को ज़्यादा पावर दी गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशनर को ज़्यादा पावर दी गई है। तो ये आज 3 जो न्यूज़ थे वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। तो चलिए, ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को और शेयर करते रहिए। थैंक यू।